विधायकों के साथ की बैठक, सभी विधायक दल बस से रवाना, विधायकों की रवानगी पर भाजपा ने उठाए सवाल। राज्य में जारी राजनीतिक हलचल के बीच भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर गिरिडीह जिले के मधुबन में शुरू, पार्टी के कई बड़े नेता ले रहे हैं भाग। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने चाईबासा में दिशा की बैठक कर केंद्रीय योजनाओं का लिया जायजा, समावेशी विकास पर दिया जोर। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल हल्की बारिश के आसार, तापमान में आएगी गिरावट। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव का उद्घाटन किया। देश के स्वतंत्रता संग्राम में खादी के महत्व को दर्शाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अनोखे खादी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बढ़ गया था, वैसा ही स्पंदन आज मैं यहां साबरमती के तट पर महसूस कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि यहां मौजूद सभी लोग इस आयोजन को देख रहे, सभी लोग आज यहां खादी उत्सव की ऊर्जा को महसूस कर रहे होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने आज खादी महोत्सव करके अपने स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत सुंदर उपहार दिया है। आज ही गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की नई बिल्डिंग और साबरमती नदी पर भव्य अटल ब्रिज का भी लोकार्पण हुआ है। मैं अहमदाबाद के लोगों को, गुजरात के लोगों को आज इस एक नए पड़ाव पर आकर के हम आगे बढ़ रहे हैं तब बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राज्य में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज फिर अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों और यूपीए विधायकों के साथ रांची स्थित अपने आवास पर बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता रद्द होने की स्थिति में उत्पन्न परिस्थितियों पर चर्चा हुई। इस दौरान सभी विधायकों ने अपनी एकजुटता दर्शाई। इस बीच मुख्यमंत्री आवास में 3 लग्जरी बसों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के साथ खूंटी जिले के लतरातू डैम पहुंचे हैं। डुमरगढ़ी गेस्ट हाउस में विधायकों को ठहराया गया है। विधायकों की सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात की गई है। बताया जा रहा है कि यहां रिफ्रेशमेंट के बाद विधायक रांची लौट आएंगे। रात में फिर मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए की बैठक तय है। झारखंड कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इधर भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट के जरिए दावा किया है कि 3 बसों में केवल 33 विधायक ही रवाना हुए हैं, 10-11 विधायक अभी भी सरकार के संपर्क में नहीं हैं। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष दीपक प्रकाश ने विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इन हथकंडों से मुख्यमंत्री कानून से बच नहीं सकते। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग और राजभवन अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री का आरोप है भाजपा पर। तो सुने भाग गए,
रिसोर्ट में चले गए, ऐसा हम लोगों को जानकारी मिला है। उनके विधायक लोग भी भाग गए हैं। अब क्यों भागे हैं हम लोगों को बताना चाहिए। जी लगातार बोल रहे हैं कि लातेहार में कल उनका कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का, उन्होंने कहा कि वो तो संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जबकि वही संविधान उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो उनको सोचना चाहिए बोलने से पहले कि हम किस पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमारी दायित्व तो क्या है, जिम्मेवारी क्या है। राज्य में जारी राजनीतिक हलचल के बीच भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर गिरिडीह जिले के मधुबन में शुरू हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गौरवशाली भारत के अतीत के आधार पर व्यक्ति निर्माण, समाज परिवर्तन और राष्ट्र पुनर्निर्माण का कार्य जनसंघ से अब तक लगातार जारी है। इसके लिए प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। अपने अध्यक्षीय भाषण में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि जनसंघ से लेकर भाजपा की राजनीतिक यात्रा में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बैठक में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और पार्टी के प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह समेत करीब 350 नेता शामिल हो रहे हैं। देशभर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 9,520 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 12,875 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 87,311 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 9 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 35 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,11,44,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले में दिशा की बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आयोजित दिशा की बैठक में विकास गतिविधियों पर चर्चा हुई। बाद में श्री मुंडा ने पत्रकारों से बातचीत में समावेशी विकास पर बल दिया। जो हमने आंकड़े देखे, उस आंकड़े के अनुसार लगभग 9.7% है प्रतिशत उतने विद्यार्थी ड्रॉप आउट कर जाते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बच्चों के ड्रॉप आउट की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि इसमें सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अब त्रिस्तरीय व्यवस्था खड़ी हो गई, ग्राम सभा का संवैधानिक मान्यता है, तो अब हम अपने गांव के स्कूल में बच्चे विद्यालय ना छोड़ें, इसकी चिंता अधिक से अधिक करें। और पदाधिकारियों से हमने कहा है कि इसका और रूट को जो एनालिसिस करते हुए इसको कैसे रोका जाए। श्री मुंडा ने राज्य की राजनीतिक स्थिति पर बात करते हुए कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति इस बात को दर्शाता है कि राज्य में शासन व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का जो भी फैसला आएगा उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। अजीबो गरीब स्थिति बन गई है कि गवर्नेंस का लेवल क्या है, तो ये अपने जगह में चल रहा है। दूसरा जो चुनाव आयोग के पास में मामला है, इस तरह के मामले जब चुनाव आयोग के अधीन रहे तो निष्पक्षता के साथ इस पर चुनाव आयोग अपना व्यूज लेकर के जो फैसला देगा वो सबको मान्य है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा विकास को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। चाईबासा में विकास के बयार बहाने के लिए उन्होंने संजीदा कोशिश की है, जिस पर अगर अमल किया जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से आज चाईबासा परिसदन में पश्चिमी सिंहभूम जिले के नवनिर्वाचित प्रमुखों ने मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने उनका अभिनंदन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो के रांची स्थित प्रादेशिक कार्यालय द्वारा कल से रांची विश्वविद्यालय परिसर में 5 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे। ये जानकारी पत्र सूचना कार्यालय रांची के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा और क्षेत्रीय संचार ब्यूरो रांची के प्रचार अधिकारी महविश रहमान ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। सबका जो भारत सरकार ने हर स्टेट्स में बना रहे हैं, तो झारखंड में रांची में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें फोटो एग्जीबिशन, फोटो चित्र प्रदर्शनी होगा। आज़ादी का जो मुहूर्त चला गया है, जो अतीत में जो घटा हुआ था, जो स्वतंत्रता संग्राम, उसके साथ बच्चों को या अभी का जो यूथ मास है उनको परिचित कराने के लिए सरकार का एक प्रयास है। इसमें विभिन्न इवेंट्स जो है, डिफरेंट इवेंट्स रहेगा, उसमें कल्चरल प्रोग्राम्स रहेगा, क्विज रहेगा, कॉम्पिटिशन्स वगैरह रहेगा। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आज भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद ग्रहण कर लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाई। वे भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का कार्यकाल 74 दिनों का होगा, जो औसत कार्यकाल से कम है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश ललित, उदय उमेश ललित, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God, do swear in the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duty of my office without fear and favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws. धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम की 6 सदस्यीय टीम ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में विजयी घोषित की गई है। 25 और 26 अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान इस टीम ने आकर्षक और यूजर फ्रेंडली वेबसाइट का निर्माण कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। रांची स्थित वीआईटी मिश्रा में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के सॉफ्टवेयर एडिशन का ग्रैंड फिनाले संपन्न हो गया। इस हैकाथॉन में देश भर की 20 टीमें अपने यूनिक नवाचार का प्रदर्शन किया। इनमें से 13 टीमों को विजेता घोषित किया गया और उन्हें पुरस्कृत किया गया। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के सॉफ्टवेयर एडिशन का ग्रैंड फिनाले में 5 थीम पर प्रतिभागियों ने अपने नवाचार का प्रदर्शन किया और प्रत्येक थीम के लिए विजेताओं का चयन किया गया। 36 घंटे के इस ग्रैंड फिनाले में देशभर से आए प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। दिस इज मेनली बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट्स इन द पेशेंट्स एंड द वन हु विल बी अफेक्टेड इन फायर। For example, if a patient is in ambulance and he's getting stuck in traffic, even saving him 2 minutes is also will save his life. So does the 2 minutes or 1 minute also will save his life? So it will be highly beneficial for the patients and also beneficial for the people who got stuck in fire on something, because fire engine can move fast and save them. So this is the main beneficiary and this is the main motto of our project. हमें AICTC की तरफ से एक क्वेश्चन मिला था
कि हम कैसे आजकल की यूथ में, आजकल के लोगों में फिटनेस बढ़ाए एंड उसकी एक्टिविटीज़ को और भी और इंट्रोड्यूस करें लोगों में, क्योंकि कोविड टाइम्स की वजह से सब बंद हो गया था, लोग बैठे हुए थे घर में, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, तो उसका हम कैसे उसको और बूस्ट करें, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा सजेशन दिया, एक आइडिया हमारा है, ऐप का आइडिया है जिसका नाम है तंदुरुस्त ऐप। तो उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, ये एक योगा सेंट्रिक फिटनेस एंड वेलनेस ऐप है जिसमें सारे एज फ्रॉम 12 टू 60 के लिए हम एक BMI, उनके BMI, उनकी एज एंड उनके लाइफस्टाइल, वो कैसे रहते हैं, उनका खान पान कैसा है, उसके हिसाब से हम उनको एक्सरसाइजेस देंगे। इन नए इनोवेटर्स के नवोन्मेष को पकड़ने में विशेषज्ञों की टीम ने निर्णायक की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि हैकाथॉन के जरिए युवाओं के नवाचार को उभारने में मदद मिलेगी। तो यूथ को अगर देश से जोड़ना है तो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके ही हम वो प्रोपागेट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको किया गया है। यहाँ पर BIT मेशरा में इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे जितने भी टीम्स हैं सब बाहर से लोग आए हैं, झारखंड की भी एक टीम है यहाँ पर, और सबसे अच्छी बात ये रही कि लोगों को मेंटोर किया जा रहा है। मतलब कल से जब वो लोग अपने आइडियाज़ पे काम कर रहे थे तो उनके साथ एक डिजिग्नेटेड मेंटोर है। इवैल्यूएशन का 3 बाउंड्री है, सो इवैल्यूएशन 1 कल था, आज इवैल्यूएशन 2 हुआ और हमने प्रोग्रेस देखा कि अगर उनके पास एक आइडिया है तो आइडिया को उन्होंने प्रोग्रेस किया। रोड सेफ्टी पे काम था एक आइडिया जिसपे मैं अभी इवैल्यूएट कर रहा हूँ, बहुत ही क्लियर डायरेक्शन के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। 25 अगस्त से शुरू हुए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले के 5वें संस्करण में रांची का BIT मेसरा भी देश के चुनिंदा 75 नोडल सेंटर में से एक रहा। संस्थान के कुलपति इंद्रनील मन्ना ने इस हैकाथॉन की अहमियत की जानकारी दी। तो इसके सॉल्यूशंस कौन देगा? जो लोग अभी बच्चे हैं, जो अगले इस पीढ़ी के लोग अभी अगले दिनों में लीडर बनने जा रहे, दे विल प्रोवाइड द टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। तो उनको एक मौका दिया गया इसी स्मार्ट इंडिया हैकाथन के थ्रू, ताकि डिफरेंट एरियाज में उन्होंने अपना कुछ जो इनोवेटिव पावर है, इनोवेटिव स्किल्स है, उसको आगे रख सकते हैं और उससे कुछ नए दिशाएं देश के सामने रख सकते हैं। कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ. के श्रीधर पटनायक ने कहा कि भारत आज स्टार्टअप और इनोवेशन को एक नया आयाम देने में जुटा है। ऐसे में BIT मेसरा में इस बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराना उन सबके लिए गौरव की बात है। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर व्हेन एड्रेसिंग टू द नेशन ऑन द इंडिपेंडेंस डे, ही हैज फोकस्ड ऑन जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान। सो अनुसंधान इज नथिंग बट इनोवेशन। So this hackathon, during the last 5 years, India is focusing on solving the problems that are arising in the rural India. Okay, you pick up each and every problem and solve. And who is going to solve the problem? Our young generation. इस आयोजन की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन वर्चुअल माध्यम से इसे संबोधित ही नहीं किया बल्कि प्रतिभागियों से संवाद भी किया। हैकाथॉन के हर पल को कैमरे में कैद करने और उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी मीडिया पार्टनर की भूमिका में रहा। कोल्हान विश्वविद्यालय की सीनेट और वोकेशनल सेल की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कुलपति प्रोफेसर गंगाधर पांडा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कोल्हान विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में इसी सत्र में BBA, BCA और MCA की पढ़ाई प्रारंभ करने का फैसला लिया गया। आपने जो देखा था उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको प्रेरणा मिल रही है। आज आप उपस्थित है, मैं आपको हृदय स्वागत करता हूँ। इधर बाएं तरफ से हमारे बैठे हैं डॉक्टर राजेश कुमार शुक्ला जी, वो तो उनके बारे में क्या कहूँ, और ऐसा और वित्त समिति का अनेक समिति का वो सदस्य भी है, इसलिए उनका एक्टिव सहयोग रहता है और ऐसा भी सुझाव देते हैं जो विश्वविद्यालय के अग्रगति आगे के लिए जो है विश्वविद्यालय को आगे ले जा सकता है। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की वार्षिक आमसभा आज चाईबासा के पिल्लई हॉल में आयोजित की गई। आमसभा में चेंबर की कई समितियों का गठन किया गया। ये समितियां संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर व्यवसायियों की समस्याओं का निराकरण करेगी। चेंबर के सचिव संजय चौबे ने कहा कि चाईबासा में उद्योगों की स्थापना चेंबर की प्राथमिकता है।
उपलब्धियों में ऐसे तो अनेकों कार्य हुए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कृषि टैक्स जो 2% वर्तमान की सरकार ने लगाने का प्रयास किया गया था, उसे हमने चरणबद्ध आंदोलन करके उसको निरस्त करवाने में सफलता पाई। लोहरदगा के उपायुक्त डॉ. बाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज सिन्हा प्रखंड में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदीबाड़ी योजना जैसे विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लोहरदगा जिले में नवनिर्मित कस्तूरबा मॉडल उच्च विद्यालय का उद्घाटन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने किया। मौके पर जिले के उपायुक्त डॉ. बाघमारे प्रसाद कृष्ण, उप विकास आयुक्त गरिमा सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। पाकुड़ जिले में ऑल झारखंड स्टूडेंट पार्टी की जनसभा में पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष शिवमपुर विधायक अकील अख्तर ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। तिरंगे से लिपटा सीआरपीएफ जवान तालाबाबू सोरेन का पार्थिव शरीर आज गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड पहुंचा। जवान के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ सलामी दी गई। सीआरपीएफ जवान की बंगलोर में ड्यूटी के दौरान हृदयगति रुकने से मौत हो गई थी। चक्रधरपुर के सीआरपीएफ 60 बटालियन के एक जवान ने कल रात खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि हवलदार के पद पर तैनात अजीत कुमार पाठक वोहातू के झरझरा पदमपुरा में ऑपरेशन ड्यूटी में गया था, इसी दौरान उसने अपनी लीला समाप्त कर ली। रांची जिले के कांके थाना क्षेत्र के अरसंडे स्थित राइस मिल के समीप 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत के 10 दिनों के बाद पुलिस ने गैर इबादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। दर्ज प्राथमिकी में पीड़ित पिता विजय कुमार झा ने बिजली विभाग के प्रबंध निदेशक और मुख्य अभियंता रांची को भी घटना के लिए दोषी ठहराया है। धनबाद जिले के बेलगढ़िया टाउनशिप झरिया विहार कॉलोनी के 11वीं और 12वीं कक्षा के विज्ञान में पढ़ने वाले 19 छात्रों ने एक्सपोजर विजिट के तहत आईआईटी आईएसएम का भ्रमण किया। इस दौरान वे विभिन्न प्रकार की तकनीक से रूबरू हुए। ये कार्यक्रम सेंटर फॉर सोशल मिशन के सहयोग से जेआरडीए द्वारा आयोजित किया गया था। जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत भागा गांव के समीप पिछले माह 18 जुलाई को बरौनी हल्दिया पेट्रोल पाइपलाइन से 30,000 लीटर डीजल की चोरी मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि दोनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। खुट्टी जिले में एक महिला के दुष्कर्म के बाद हत्या करने के विरोध में आज बिलहाती के ग्रामीणों ने जुलूस निकाला और थाने का घेराव किया। ग्रामीण हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। खूंटी डीएसपी अमित कुमार ने आश्वासन दिया है कि जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा। चतरा जिले में रक्त की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर आज जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसायटी की ओर से समाहरणालय परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और कर्मियों ने रक्तदान किया। हरियाणा के रोहतक में आयोजित अंडर 15 फेडरेशन कप राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के आखिरी दिन झारखंड के पहलवानों ने कुश्ती में 2 और पदक जीत लिए। इसके साथ ही झारखंड के खाते में 7 पदक हो गए हैं। इनमें 4 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में स्थानीय स्तर पर सिस्टम बनने के कारण कल कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। इससे तापमान में कमी आएगी, लेकिन कल के बाद इसका असर कम हो जाएगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मॉनसून कमजोर रहा है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.3 और न्यूनतम 27 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सवेरे
11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की ये 92वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सवेरे 11 बजे किया जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार के यूट्यूब चैनलों पर प्रसारण किया जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया ने कहा है कि झारखंड की बेटियां काफी मजबूत होती हैं। अगर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए तो वे हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती हैं। आज दोराबजी टाटा के जन्मदिन पर जमशेदपुर स्थित जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सफलता के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। उनके साथ 3000 मीटर की रेस में सिल्वर पदक जीतने वाले अविनाश सबले भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से आज रांची में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य के खान सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि डीएमएफटी राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में मददगार है। इस मौके पर खान निदेशक अमित कुमार भी मौजूद थे। राजधानी रांची में आज से 2 दिवसीय बीएनआई समिट शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन आज राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड में कारोबार की अधिक संभावना है, युवाओं को इस दिशा में आगे आना चाहिए। अपने विधानसभा क्षेत्र में तैयार कर लिया है। आप लोग तैयार हैं कि ये अगर प्रोटेस्ट की दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है आरएनयू डीडी के। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों और यूपीए विधायकों के साथ की बैठक, सभी विधायक बस से रवाना, विधायकों की रवानगी पर भाजपा ने उठाए सवाल। राज्य में जारी राजनीतिक हलचल के बीच भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर गिरिडीह जिले के मधुबन में शुरू, पार्टी के कई बड़े नेता ले रहे हैं भाग। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने चाईबासा में दिशा की बैठक कर केंद्रीय योजनाओं का लिया जायजा, समावेशी विकास पर दिया जोर। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल हल्की बारिश के आसार, तापमान में आएगी गिरावट।